पे आज सुबह मैंने एक साइलैब का वीडियो डाला था ऑन रैंडम इंटीजर्स, और अभी मैं प्रैक्टिकली जो साइलैब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसका एक झलक आप लोगों को दिखलाऊंगा। और जो प्रोग्राम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इसमें ये छोटा सा मैंने मॉडल लिखा हुआ है, वाई टी इज विद द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन एट टाइम टी, और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनिशियल पॉपुलेशन कैपिटल एम, देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला, ये तो आप लोग सबको ही आता होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चीज है। और फिर दोबारा से हमने एक प्रॉब्लम लिया जहाँ पे हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हमने 100 लिया, इंटरवल मतलब टाइम हमने 0 to 2 लिया जो कांस्टेंट के है, इट इज 0.5। सो नाउ वी विल फॉर्म अ पॉपुलेशन कर्व, सॉरी लेट हो गया, पॉपुलेशन कर्व। और वो पॉपुलेशन कर्व हम लोग निकालेंगे यूजिंग साइलैब। साइलैब में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि उसमें कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है। यूजुअली तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, ये वाला इक्वेशन तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो जो सॉल्व है मैं उसी को प्लॉट कर दूं, इट विल कम, वो सही है। बट बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इन दोस केसेस आप लोग को जो इक्वेशन है उसको कैसे निकालना है, दैट इज द मेन पॉइंट। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं साइलैब की बात करूँ, साइलैब में हम लोग पहले जो है फंक्शन, जो फंक्शन है तो फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, वी राइट एडिट ग्रुप कार भैया, ग्रुप कार इज माय फंक्शन नेम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो ये वाला आएगा। ग्रोथ कर्व ये आपका फंक्शन है, यहाँ पे जो वेरिएबल को आपको कॉल करना है वो वेरिएबल यहाँ पे बिठाया है, और मुझे यहाँ पे कुछ कॉल वॉल तो करना नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं बिठाऊंगा। इस ब्रैकेट के अंदर आपको वो सारा वेरिएबल को डालना है जो आप एक्चुअल में प्रोग्राम में उसको फ्लेक्सिबल रखना है कि आप उसका वैल्यू दे तब उसका उसको यहाँ पे डाल के कंप्यूट करें, जो आपके सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो आपका होता है यूजुअली फॉर्मल वेरिएबल, ओके फॉर्मल वेरिएबल एंड एक्चुअल वेरिएबल जो होता है वो उस टाइप का चीज यहाँ पे है। जो वेरिएबल आप यहाँ पे डालेंगे वो इस प्रोग्राम में उसका वैल्यू तभी लिया जाएगा जब कंसोल में आप उसका वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सो पहला जो है हमारा पॉपुलेशन साइज आपका दिया हुआ है m इक्वल टू 100, तो जो वैल्यू है पैरामीटर्स के उनको पहले बिठा देना है, दिस इज 0.5 एंड सेमीकोलन से उसको एंड करना है, एंड लाइन नहीं करेंगे तो फिर एरर शो कर सकता है। और क्या था डाटा, और डाटा था आपका हाँ इंटरवल 0 to 2, तो 0 to 2 है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिवीजन कैसे लेना है वो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, यहाँ मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। कुछ ज्यादा यहाँ पे 10 है, 10 पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे सॉरी 0 to 2 मैं यहाँ पे 0.1 डिवीजन के हिसाब से जा रहा हूँ, 2 to 2 इट मीन्स आई एम टेकिंग 20 पॉइंट्स, ओके। तो ये मेरा डिवीजन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को एक फॉर्मेट में उसको लाना है, काइंड ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्मेट में, जहां पे हमारा जो है y को हमको एक एरे डिक्लेयर करना है, क्योंकि हर एक की के लिए मुझे उसका y चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरे डिक्लेयर करूंगा। एरे डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो है जीरोस साइज टी, जीरोस मतलब इट विल फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ जीरोस, अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ जीरोस
साइजेस टी, टी मतलब जो टी का साइज है, टी किस 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 साइज का है, टी आपका एक्चुअली एक रॉ मैट्रिक्स है, तो टी जो साइज होगा उस साइज का एक मैट्रिक्स वाई फॉर्म करेगा। दिस इज द थिंग। इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है आपका, इनिशियल पॉपुलेशन इज 100, सो वाई ऑफ वन जो है, वाई ऑफ वन इज इक्वल टू 100। नाउ व्हाट इज वाई आई, वो हमको निकालना है। सो फॉर यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, सो लेट मी टेक दोस 20 पॉइंट्स। ये डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना फॉर लूप पे आप जब इसको बिठाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे y i प्लस वन इज इक्वल टू, अब y i प्लस वन क्या होगा, y i i प्लस वन आपका होगा y i देन प्लस dt star exp। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का कमांड exp होता है, ओके exp ऑफ क्या था हमारे पास, k इंटू टी, तो यहाँ पे आपका आएगा k स्टार। अब t जो है i के लिए, t जो वेरिएबल वहां पे बनता है वो यहाँ पे इसको लिखना है, i ऑफ वन। ये रहा आपका, यहाँ पे मैंने डी टी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया, डी टी है आपका, डी टी जिस जो जो आप शिफ्ट लेते हैं, जो जो आपका रेंज होगा उसमें जो जंप लेते हैं वो आपका डी टी है। तो यहाँ पे हमने टी में जंप कौन सा लिया, जंप रहा ये वाला 0.1, सो आई कैन टेक दिस इज डी टी इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, दिस विल गिव यू द होल मैट्रिसेस। अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट के लिए ये वाला कमांड सही है, प्लॉट y, और इफ यू वांट यू कैन राइट t कॉमा y, अगर आपका डायमेंशन सही है तो टी कोमा वाई आपका आ जाएगा, वरना टी कोमा वाई नहीं आएगा। तो यूजुअली हम लोग वाई बिठाते हैं, क्या देखते हैं अगर कुछ एरर नहीं आया तो। तो इसको रन करने के लिए आपको इसको दबाना पड़ेगा, दिस इज सेव एंड कंपाइल। तो यहाँ पे आके देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ई एक्स ई सी, दिस मीन्स आपका जो कंपाइलेशन है, जो आपने कमांड लिखे हैं वो करेक्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे, मैंने शायद ऐसा ही कुछ वीडियो बनाया था लाइक कार डायोड को कैसे ड्रॉ करना है, वो ऑलरेडी शायद मैंने दिया हुआ है, तो ये वाला शायद मैंने कवर नहीं किया। इसमें क्या करना है, ग्रोथ कार्व, दिस इज द ग्रोथ कर्व। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे थोड़ा सा बैंड हो सकता था, पर हमने ज्यादा पॉइंट्स नहीं 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 पिक किए, अगर ज्यादा पॉइंट्स ले लेते तो शायद यहाँ पे और कुछ ज्यादा जो नंबर है वो आ जाता। जस्ट हमने 20 पॉइंट्स लिए तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये स्ट्रेट लाइन आ गया है, यूजुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता। अगर हम एग्जैक्ट कर्व की बात करें, अगर हम अभी मैं आप लोगों से अगर बात करते हुए
इसका और एग्जैक्ट कर्व का आपका डिफरेंस क्या है, तो ये आप लोगों को इसमें नजर आ जाएगा। सो दिस इज द पॉपुलेशन कर्व, थोड़ा बड़ा कर देते हैं पॉपुलेशन, और ये जो हमने इटरेशन लिए हैं 1 से लेके 21 तक, सो दिस इज अ यू कैन से 20 इटरेशन और या फिर 20 डाटा हमने यूज किया है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। पर अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ की बात करूँ, एग्जैक्ट ग्राफ में और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अगर मैंने मैं डायरेक्टली बिठा दूँ एग्जैक्ट इक्वल टू ये वाला प्लॉट होगा, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया था, वेरी सॉरी। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो एक ही नंबर बार बार लिया उसने, शुड बी आई, अब आएगा अगर आप दूसरी बार उसको रन करेंगे तो ये वाला आपका ऐड होगा। ये भी आपका जो है एक्चुअल एक्सपोनेंशियल की तरह नहीं आया क्योंकि 20 पॉइंट्स मैंने लिया, मैंने पहले वहां पे 1 मतलब सिर्फ 1 डाला था, 1 डालने की वजह से मतलब एक ही टाइम पे वो बार बार रिपीट हो गया, मतलब दैट बिकम्स अ लीनियर कर्व। अच्छा मैं अगर इसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करूं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ उसको कोई रिक्स नहीं लेना चाहता, सो आई लेट मी डिफाइन अनदर मैट्रिक्स, मैं अगर बिना किए देखूं, चलो एक बार देख लेता हूँ, मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। प्लॉटिंग करना है तो प्लॉट होगा कि नहीं होगा पहले ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से बैठ से जो मैंने दिखाया y and x z, तो उसमें क्या मतलब क्या हुआ कि y उसने x एक्सिस पर लिया, x z उसने y के हिसाब से उसको प्लॉट किया, इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन का भी ज्यादातर वैल्यू तो सेम ही है, मैंने 20 वैल्यू से लिए थे। अभी फिलहाल देखता हूँ कलर को चेंज करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है, तो ये मजा है इसमें, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्रोथ जो है ग्रोथ का अभी ग्रो कर रहा है जो कि मेरा यहाँ पे ये वाला होगा, तो 20 पॉइंट नहीं लेके अगर मैं बहुत ज्यादा पॉइंट लू इट विल बी क्लोज, ओके। यहाँ पे मैंने 0 टू
पॉइंट जो है उन्होंने 0 टू 2 लिया, तो 0 टू 2 में 0 टू 1 तक तो उसका ग्रोथ ना होता भी नहीं, 1 के बाद से उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा है 100 इंटू वॉल। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट लू देन दिस टू कार्ड, ये वाला एग्जैक्ट ये मुझे पता है, और ये वाला आपका जो हमने निकाला था वो, तो इसमें काफी गैप है। तो गैप इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड, जस्ट 20 पॉइंट्स मैंने 0 टू 2 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स, जस्ट मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट दिए हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा पॉइंट लू तो इन दोनों कार में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहे। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द प्रोग्राम इन साइलैब। हमेशा याद रखिए एडिट विद फंक्शन नेम, उसके बाद जो ये वाला आएगा। अब अगर आपको मैं कुछ बताने जाऊं कि इसको मुझे नहीं लिखना है m, मुझे m को अपने हिसाब से बिठाना है, मुझे पता है ग्रोथ रेट k जो है ये 0.5 फंक्शन से आएगा, या फिर मुझे बोलो चलो ये भी नहीं पता, ये यार वाइज चेंज होता रहता है। k, m, तो देखिए कलर जो है वो चेंज हो गया है k और m का। तो अभी जो है यहाँ पे 100 की जगह पे m बिठा देते हैं, तो दिस इज k एंड m आर नाउ values that we decide. Okay. Now, एक सेंस में अगर मैं C programming की बात करूँ या जो interactive programming है उसकी बात करूँ, तो ये अभी user friendly program बन चुके हैं, जहाँ पे parameters जो है वो user के हाथ में। मैं यहाँ पे T को भी variable कर सकता हूँ, फिलहाल मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो बना ऐसे दिखाते दिखाते बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगर मैं इस हालत में इसको रन कर दूँ तो कुछ नहीं आएगा, वेरिएबल m इज अनडिफाइंड, m और k दोनों ही अनडिफाइंड है। जो पहले उसने जो एनकाउंटर किया उसके हिसाब से m उसके पास नहीं है, तो उसने एरर दिखा दिया, और k एनकाउंटर करता तो k दिखा। ओके, नाउ वी पुट वेरिएबल m इक्वल टू, मान लो अभी हम लोग 1000 ऑलरेडी मैंने दिखाया है, शो करना नहीं करना चाहिए। लेट मी से 0.8, सो नाउ वी हैव m एंड k। नाउ आपको समझ में आ गया होगा उसको कैसे, तो टी को भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, फिर जो स्टेप्स है उसको भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस अगर आप स्टेप्स को वेरिएबल बनाए तो आई जो मैंने लिया 1 to 20 वो आप हिसाब करके उसको बिठा दीजिए, या फिर उसमें भी कुछ एक नंबर एक कॉन्स्टेंट में उसको स्टोर करके वो कॉन्स्टेंट उसको साइज में डाल दीजिए, तभी होगा फुल वर्क। तो दिस इज हाउ वी राइट द प्रोग्राम। ये ग्रोथ कार्व है, उसकी तरीके से आप डीके कार्व भी देख सकते हैं, कंपार्टमेंट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लॉट का वोल्टरा भी लिख सकते हैं। लॉट का वोल्टरा मैं शायद ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो एक्सप्लेन करने की, तो इसका जो प्रोग्राम है उसको कैसे लिखने की। ठीक, okay?